सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड वर्ल्ड चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंजल वन टीम के द्वारा क्लाइंट आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद एंजल वन डीमैट अकाउंट में लॉगिन कैसे करेंगे और नया पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। पहली बार लॉगिन करने पर आपको पासवर्ड जरूर सेट करना होता है, तो चलिए नया पासवर्ड सेट करना सीख लेते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप उस वीडियो को देखकर फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो डीमैट अकाउंट ओपन करके दिखाया था उसका क्लाइंट आईडी और पासवर्ड हमें ईमेल के द्वारा मिल गया है। एंजल वन की तरफ से हमें यहाँ 3 ईमेल आए हैं। ये पहला ईमेल है, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एंजल ब्रोकिंग अकाउंट इज एक्टिवेटेड। मेल में नीचे यहाँ यूजर आईडी दी गई है, इसी को क्लाइंट आईडी बोलते हैं। इसी क्लाइंट आईडी के द्वारा अकाउंट में लॉगिन करेंगे। चलिए अब दूसरा ईमेल ओपन करके देखते हैं। ये रहा दूसरा ईमेल, हमने इस पर क्लिक कर दिया है। ये देखिए, इस ईमेल में हमें पासवर्ड मिल गया है, इसी पासवर्ड के द्वारा हम अकाउंट में लॉगिन करेंगे। चलिए अब मैं आपको तीसरा ईमेल ओपन करके दिखा देता हूँ। ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ भी क्लाइंट आईडी दी गई है, वेलकम योर क्लाइंट आईडी। चलिए अब मैं आपको एंजल वन ऐप के द्वारा अकाउंट में लॉगिन करके नया पासवर्ड सेट करना बता देता हूँ। एंजल वन ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का लॉगिन पेज मिलेगा। यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, यूजर आईडी और ईमेल आईडी। या तो आप यूजर आईडी यानी कि क्लाइंट आईडी के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं, जिस ईमेल आईडी से आपने इस पर रजिस्टर्ड किया है। हम यूजर आईडी से लॉगिन करेंगे। यहाँ यूजर आईडी एंटर करेंगे, जो यूजर आईडी आपको ईमेल या मैसेज के द्वारा मिली है। यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे, ये भी हमें ईमेल के द्वारा मिल चुका है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। नीचे आपको बताया गया है कि पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि अल्फाबेट और नंबर्स में होना चाहिए, और पासवर्ड की लेंथ कम से कम 6 और अधिकतम 12 करेक्टर्स की होनी चाहिए। आप पासवर्ड में स्पेशल करेक्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर पासवर्ड का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ABC@0525। अगर आपका पासवर्ड सही होगा तो यहाँ दोनों कंडीशन के आगे ग्रीन सर्किल में चेक मार्क लग जाएगा। कंफर्म करने के लिए यहाँ फिर से पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, इसे ओके कर देंगे। इसके बाद आपसे 4 अंकों का एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। आप अपनी मर्जी से 4 अंकों का कोई भी पिन सेट कर सकते हैं। कंफर्म करने के लिए यहाँ फिर से एमपिन एंटर करेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एमपिन सेट हो जाएगा। अब यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे फिंगरप्रिंट इनेबल करने के लिए पूछा जाएगा। अगर आप फिंगरप्रिंट इनेबल करना चाहते हैं तो आप फोन के सेंसर के ऊपर अपनी फिंगर रखकर इसे इनेबल कर लेंगे, या फिर आप डू इट लेटर पर क्लिक करके इसे बाद में भी इनेबल कर सकते हैं। तो हमने सेंसर के ऊपर टच कर दिया है, ये देखिए फिंगरप्रिंट इनेबल हो गया है। इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आप अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों, अब आप नया पासवर्ड सेट करना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।